गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है, सोकर उठ गए हैं। और सुबह उठते ही प्रियंका का डेली का जो रूटीन रहता है, अपना लैपटॉप ओपन करके हमारी मैडम बैठी हुई हैं। ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ऑफिस का काम है। और बाहर अच्छी धूप निकली हुई है यार, धूप अच्छी निकली है गाइस। और अब अपडेट ये है कि प्रियंका की बहन आई हुई है रिंकी, कनाडा से। वो कनाडा में ही रहती है, तो कुछ दिन के लिए यहाँ पर इंडिया घूमने, मतलब ऑब्वियसली रहने के लिए आई है अपने घर पर। तो ये है कि आज वो आने वाले हैं, रिंकी और प्रियंका की मम्मी। कितने बजे आएंगे, कितने बजे बात हुई है? थिंक 3 बजे के करीब। 3-4 बजे के आसपास आएंगे। तो रिंकी की फरमाइश है कि उसको मशरूम टिक्का खाना है और उसको शकरकंदी खानी है, हाँ, मतलब शकरकंदी जो तो भून के हम बारबेक्यू पे करते हैं वो वाली, और उसको खानी है चाप। तो अब मैं निकलता हूँ, बिस्तर छोड़ता हूँ और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करके फिर मैं मार्केट के लिए निकलूँगा, ताकि ये सब चीज़ें बनाने के लिए जो भी चीज़ें आनी है मटेरियल वो मैं ला सकूँ। तो हेलो दोस्तों, अब मैं सामान लेकर आ गया हूँ मार्केट से। और क्या क्या लेकर आया हूँ प्रियंका, मैं खैर तुम्हें क्या बताऊँगा, लाया तो मैं ही हूँ। तो आपको दिखाता हूँ किचन में क्या क्या सामान लेकर आया हूँ, और प्रिपरेशन शुरू हो गई है। दही लाया था, क्रीम लाया था मैं अमूल की, ये तो फाफड़ा, खैर ये तो प्रियंका के लिए लाया हूँ चटपने के लिए। इस पैकेट में है मशरूम और आपका शिमला मिर्च, और ये मैंने सोयाबीन की जो चाप होती है उसको मैंने बॉईल करने पर लगा दिया, जिससे कि सॉफ्ट बनेगी, और जब उसको हम मैरिनेट करेंगे तो अंदर तक उसके जो है फ्लेवर जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया, ताकि थोड़ा सा ये इसमें फ्लेवर आए नमक का, ठीक है, नमकीन हो जाएगी जब तक। वही गाइस, रिंकी से बात हो गई है, रिंकी रेडी है, वेट कर रही है। एक्चुअली क्या, अगर रिंकी को अब यहाँ पर इंडिया में गाड़ी चलाने की आदत नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पर स्टेयरिंग का और जो है रोड का चक्कर रहता है लेफ्ट राइट का। और अभी यहाँ पर उसने बोला है कि अब उसे हमको लेने जाना पड़ेगा। ये भगवान, कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएगा, रिंकी हमको बोलेगी कि मुझे लेने आना, मुझे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। रिंकी इज अ प्रो ड्राइवर। रिंकी वॉज अ प्रो ड्राइवर इन या एक्चुअली इंडिया। हम दोनों से पहले रिंकी ने गाड़ी चलाना सीखी थी। तो बस यही है, रिंकी को लेने के लिए जा रहा हूँ। सो हे गाइस, घर से निकल पड़ा हूँ और रिंकी और मम्मी को पिक करना है। यहीं से ही पास में ही रहते हैं, जो उनका जो अपार्टमेंट है हमारे घर के बिल्कुल बहुत पास है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 700-800 मीटर के आसपास। दोस्तों गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और कर रहा हूँ उनका वेट, ये देखिए। ये इनका अपार्टमेंट है सामने, ये पार्किंग है विजिटर पार्किंग, और ये मेन रोड राजनगर एक्सटेंशन वाली जो होती है। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये है रिंकी। अरे वहां से खड़ा करना भैया। आप पीछे मम्मी, मम्मी जी राम राम। राम राम भैया, राम राम। और अब चल रहे हैं घर के लिए। दोस्तों दोबारा से मैं गाड़ी में अकेला हो गया हूँ। अपार्टमेंट से निकलते ही मम्मी और रिंकी ने कहा कि उन्हें कुछ खरीदना है, तो मार्केट में चले गए हैं। इस वाली मार्केट में है वो लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मेरे पीछे बैठी हुई है रिंकी और मम्मी। ये लोग वेट कर रहे हैं चाय का, और ये देखिए हमारी चाय भी बन रही है। अब ये भी चढ़ाई है, और इस तरफ बन रहा है, ठीक है, चाप। चाप चाप का मैरिनेशन बन रहा है, और बनेगा क्या, चाप टिक्का हाँ, तंदूरी चाप बनेगी, और वो बनेगा क्या बोलते हैं, मशरूम टिक्का। मशरूम टिक्का और चाप टिक्का। और मम्मी लाई है मेरी स्वीट पोटैटोज, वो भी भुनने हैं हमें बारबेक्यू पे। और हमने अभी क्या खाया है, पेस्ट्री। हमने खाई है पेस्ट्रीज। अरे हाँ, पेस्ट्रीज, वेयर आर द पेस्ट्रीज। अरे तुम अभी दिखा रहे ये देखिए, अब सो सॉरी गाइज, पेस्ट्रीज हम खा चुके हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो ये देखिए हमारे शेफ को। हेलो शेफ, क्या चल रहा है? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अरे मतलब क्या लगा रहे हो आप सीख में? ये लगा रहा हूँ मलाई चाप। ओ, मलाई चाप। यस। ओके गाइस, ये देखिए हमारी मलाई चाप। ओ वाओ, कहाँ जा रही है ये, कहाँ जा रही है? ये जा रही है तो इसको हाँ देंगे। ये क्या लंबा लंबा है चाप। मच्छी मच्छी लगाएंगे तभी तो वहां से और ऊपर आएंगे। देखेंगे ना, अच्छी अच्छी है सब। फिर कह रहा है कि
बहुत खा रहे हो तुम लोग, सब पता चल रहा है मुझे। मैंने बोला ऑब्वियसली यहाँ खाने तो आई हूँ मैं। ये देखिए गाइज, ये कनाडा के लोग हैं, ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आए हैं। ये अपने दोस्तों को भी बोल बोल के जला रहे हैं, ये फोटोज भेज भेज के जला रहे हैं। और ये देखिए खाने के साथ साथ इनके काम भी चल रहे हैं, लॉकडाउन। हाँ, और ये हमारे खान सामा, कहाँ है खान सामा? ओहो, ये हमारे खान सामा है। हेलो गाइस, ओहो। स्टार्टर्स तो हो गए हमारे और हमारा मेन कोर्स भी रेडी है। तो आज क्या है मेन कोर्स में वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है शाही पनीर और रोटियाँ, और है रोटियाँ। तो आज फुल ऑन पार्टी हो रही है। और पार्टी क्यों हो रही है? द रीजन इज हियर। हुज द रीजन फॉर द पार्टी? यस। हेलो गाइज, तो फिर अब पार्टी खत्म हो चुकी है एंड नाउ वी आर वाइंडिंग अप। सो बहुत ज्यादा मेस है हर जगह पे, ये देखिए वाइंड अप हो रहा है, बुरा हाल है। ये इतना सब कुछ तो बच गया है, सारा सामान समेट रहे हम और बस ही। अब कल हमारी मेड बोलेगी देख करके कि ये क्या गंद फैला रखा है। रेखा जी बताइए, बोलेंगे रेखा जी बोलेंगे मेरे भैया ने खाना बनाया था क्या।